सो हेलो गाइस, फर्नीचर बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले बुलेट स्प्रेड के बारे में और बात करेंगे हिप फायर के बारे में। सो पहले बात करते हैं बुलेट स्प्रेड के बारे में। एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हर एक बंदे ने फेस करी होगी कि वो जब खेलते हैं एनिमी के सामने होते हैं तब उनका जो एम है वो एनिमी के ऊपर ही रहता है, फिर भी एनिमी को गोलियां कनेक्ट नहीं हो पाती। वो इसलिए होता है कि आपके जो बुलेट्स है वो स्प्रेड हो जाती है या वहाँ बिखर जाती है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो फर्स्ट, अगर आपका एम सीट ऑफ होगा तो आपकी कम से कम गोलियां एनिमी को कनेक्ट होगी, आपका जो बुलेट स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एम सीट का काम क्या रहता है, अगर आप एनिमी के आसपास थोड़ा सा अगर फायर करेंगे तो भी एम सीट क्या करता है, आपकी जो गोलियां है वो सीधा एनिमी के ऊपर चिपका देता है। अगर आपका एम सीट ऑफ होगा तो वो आपकी जो कम से कम गोलियां एनिमी के ऊपर लगेंगे। अगर आपको एनिमी को मारना है तो आपका जो पूरा एम है वो एनिमी के ऊपर ही रहना चाहिए। इससे अगर आपको लगेगा कि आपका जो बुलेट स्प्रेड है वो ज़्यादा हो रहा है। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की कि आप कौन सी अटैचमेंट यूज़ कर रहे हैं। आप बहुत बंदे क्या करते हैं कि वो बार बार अपने अटैचमेंट चेंज करते रहते हैं। तो क्या होता है, आपको एक अटैचमेंट की मसल मेमोरी बन जाती है कि आपको वो बुलेट स्प्रेड कैसा कंट्रोल करना है वो आपको पता रहता है। पर अगर आप बार बार अगर अटैचमेंट बदलेंगे, बार बार चेंज करेंगे, तो आपको क्या होगा, हर अटैचमेंट का आपके एक अलग अलग हिप फायर रहता है, वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा और आपको वो लगेगा कि आपका बुलेट स्पीड बहुत हो रहा है, आपकी गोलियां नहीं कनेक्ट हो रही। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर वक्त खेलते वक्त आपका अटैचमेंट फिक्स करनी है और आपको वही अटैचमेंट से खेलना है। उससे क्या होगा, आपको उस अटैचमेंट की मसल मेमोरी बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आराम से गोलियां कनेक्ट कर पाएंगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है सेंसिटिविटी। अगर आपकी सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा रहेगी वैसे ही आपका बुलेट स्पीड कम या ज़्यादा होता है। अगर आपकी सेंसिटिविटी कम रहेगी तो आपका बुलेट स्पीड भी कम होता है, पर आपको अपना जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है एनिमी के ऊपर, हिप फायर के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। यही जगह पर अगर आप हाई सेंसिटिविटी रखते हो तो आपका क्या होगा, आपको जो क्रॉसर है वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, बहुत ज़्यादा मूव करेगा। तो क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी हिलेंगे तो आपका जो क्रॉसर है वो हिलेगा। इससे क्या होगा, आपका जो बुलेट स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। पर इसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपका जो क्रॉसर है वो बहुत ज़्यादा शेक करता है। उससे क्या होता है, अगर आपने एनिमी के ऊपर भी क्रॉसर लिया तो वो बहुत ज़्यादा शेक करने के कारण आराम से आप एनिमी के ऊपर गोलियाँ कनेक्ट कर पाते हैं। सो अगर आपको बुलेट स्प्रेड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपनी सेंसी हाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी जो गोली है वो एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी। तो बस इतने ही तरह से वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे प्लेइंग, कीप ग्रोइंग।